तो गाइस ये है हमारी लग्जरी झोपड़ी और जो आज का चैलेंज है वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। हम रुकने वाले हैं इस झोपड़ी के अंदर और जो सबसे पहले बाहर निकलेगा वो खाएगा जोलो चिप्स और जो सेकंड बार में बाहर निकलेगा वो क्या करने वाला है पब्लिक पैलेस के अंदर डांस करने वाला है, वो भी सॉन्ग होगा बेबी डोलम शोले। और जो तीसरे नंबर पर बाहर निकलेगा वो दोस्तों पब्लिक पैलेस के अंदर भीख मांगने वाला है। तो चलिए इस मजेदार चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, सब तैयार हो? तैयार। तो चलिए एक दो तीन और जाते हैं अंदर। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारी लग्जरी झोपड़ी। मजा नहीं आया? मजा नहीं आया? तो ये रही हमारी लग्जरी झोपड़ी, देख सकते हो आप। ओ भाई साहब, सबसे पहले आती है बीच के अंदर एक टेबल जिसके ऊपर हमने मेजबूक वगैरह रख रखी है, हमारी सारी जरूरत की चीजें। और ये चीज सबसे मेन है, जो हारेगा वो इसे खाएगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है घड़ी, इसके अंदर सेल कहाँ पर है? पैसे कम पड़ गए तेरे यार। अरे टाइम नहीं देखना, अनलिमिटेड। हाँ गाइस, टाइम की क्या जरूरत, ये है ना चैलेंज, वो है अनलिमिटेड। बिना खाए हम यहाँ पर रहने वाले हैं, केवल पानी के लिए ये एक कैंपर है। तो देखते हैं कौन कितनी देर तक इसके अंदर रुक पाता है। यहाँ पर है हमारी एलईडी टीवी और उसके नीचे पूरा म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये लगा रखा है पावरफुल इन्वर्टर जो कि इन सभी को पावर दे रहा है। तो करें चैलेंज स्टार्ट। कर लो भाई, करो। मैं तो यही रहूंगा। हाँ लेकिन एक और ट्विस्ट है। अब देखना इन सभी का मुंह उतरने वाला है। यो हमारा की मुंह उतरेगा देखना। हाँ, बहुत खुश है। जो ये चैलेंज है ना उसके अंदर हम खाना नहीं खाने वाले। पागल है, कोई बाहर नहीं जा सकता और अंदर कुछ भी नहीं खा सकता, केवल ये पानी की कैंपर है। अरे क्या हुआ? इसको तो अभी से यार खाना ही नहीं खा के आए अपन तो। मैंने तो खाना खा लिया भर पेट के। एक बार और दो ठोके। गाइस अभी तो हम आपको एक और चीज बताते हैं, वो केवल मेरी पर्सनल चीज है। ये है मेरा पर्सनल बेडरूम, तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। ये है गाइस मेरा पर्सनल बेडरूम, यहाँ पे मैं सोने वाला हूँ। और लाइटिंग वगैरह इसके अंदर भी हमने एक नंबर कर रखी है पूरी की पूरी। और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या लगा दिया, पता नहीं है, जो है आपके सामने है। और इस रूम के अंदर बिना मेरी परमिशन के कोई भी नहीं आ सकता, मैं आराम से सोऊंगा यहाँ पे। नींद आ रही है मेरे को। कुछ बोल रहा था तू परमिशन वगैरह? कुछ नहीं गाइस, गरीबों को है ना सोने देता हूँ मैं ऐसे ही। सो जाओ मेरे राज में ऐश करो। हम झोपड़ी के अंदर 5 बजे आए थे और अब है ना सर्दी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ बाहर का माहौल कैसा है। और भाई लोगों क्या कर रहे हो? बस बढ़िया, मजा कर रहे हैं। मजा कर रहे हो? और बाकी यहाँ पर आप देखिए भाई, जब हम अंदर आए थे ना तब दोस्तों पूरा उजाला था और अभी आप देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है। ये हमारी दोनों गाड़ियां खड़ी है बाहर। तो चलिए ठंड आ रही है यार, इसको बंद करते हैं और बाकी देखते हैं कौन सबसे पहले बाहर निकलेगा। जो ये चैलेंज है ना वो यार काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है आपकी बार। तो मुझे तो भूख नहीं लग रही है, खाना खा कर रहा इसलिए। ओ माय गॉड, भूख लग रही है। समझ में नहीं आ रहा गलगोटा कैसे कंट्रोल कर पा रहा होगा अपनी भूख को। हम सब नाराज है तेरे से, तभी तो पागल चैलेंज है यार। इसे ही तो कहते हैं चैलेंज गाइस, इसे ही कहते हैं चैलेंज। झोपड़ी के अंदर बैठे बैठे बहुत देर हो गई और टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक गेम खेलने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा मजेदार। इस बोतल को हम घुमाएंगे बीच सेंटर के अंदर गोल गोल और फिर जिसकी भी तरफ ढक्कन आया, अभी जैसे मेरी तरफ आया, तो यार मुझे ना इन तीनों की बात माननी पड़ेगी। तीनों है ना मतलब कि एक मुझे चैलेंज देंगे और वो चैलेंज मुझे पूरा करना होगा, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, कोई सीक्रेट भी हम उससे पूछ सकते हैं और इसके अलावा दोस्तों हम उसको कोई चैलेंज भी दे सकते हैं, ठीक है। गाइस ये इतना सोच रहे हैं शायद मेरी 12 बजाएंगे अभी। बिल्कुल तुम्हारे माइंड में दिमाग है? क्वेश्चन है? नहीं अभी नहीं, मैं पूछूं? हाँ बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल इतना सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा सा। वो लग रहा है मेरे को इतना सा क्वेश्चन गाइस, जैसे सुन रहा हूँ ना मैं, इतना सा क्वेश्चन है। हाँ तो भी आपकी इजाजत हो तो पूछूं? पूछो आप। आपने कभी लाइफ में जो अपनी पेंट होती है उसमें सुसु की है?
झूठ नहीं, आपके एक्सपेक्टेशन बता रहे हो तो कि क्या रिजल्ट है इसका। बी सीरियस, बी सीरियस गाइस, मतलब कि मैं बोल ले शर्मा मत, शर्मा मत, पता चल रहा होगा ये मासूम सी हंसी के पीछे क्या जवाब होगा, क्या रीजन है इसका। मतलब गाइस है ना, तो गाइस जब मैं समझदार हुआ ना इसके बाद में, तो मैंने बिल्कुल भी पेंट के अंदर सुसु नहीं की थी। बाकी पहले मेरी मम्मी बोलती है मैं पेंट में सुसु करता था, एक दो बार की हो गया, मैं सुसु करता था दिन भर पेंट। अब की बार गाइस मैं इससे सवाल पूछूंगा, पहले इसने मेरी बात लगाई थी, पहले मैं, फिर तू, फिर तो तीनों थोड़ी ना पूछ सकते, एक जना पूछ। हां पहले मैं पूछ, मैं पूछ भैया, आकाश की तरफ आया है तो मैं आकाश भैया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी पूछिए, बिल्कुल। कभी आपने स्कूल के अंदर जोरदार से प्रेशर बनाओ लेटरिंग करी है पेंट के अंदर? बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सीरियस गाइस, मासूम हंसी, मंद मंद मुस्कान, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में रास्ते में नहीं हुआ, घर क्या पता बचपन में याद ना हो, जैसे मुझे याद नहीं था। हो सकता है बचपन में, बाकी पूछना पड़ेगा, स्कूल में जाऊंगा मैं। मतलब श्योर है कि इन्होंने किए रास्ते में? मतलब श्योर है, सरकारी स्कूल की ड्रेस इन्होंने खराब की है? हां गाइस, हो सकता है। तो हम मोटे से कौन सवाल पूछ रहा है? हां हां चलो गाइस, सबकी बात लगाएंगे हम। आपने लेटरिंग करना छोड़ दी है? ओ क्या मस्त वाला सवाल है यार भैया। मोटे ऑडियंस इधर है, अपनी इधर से, इधर ऑडियंस इधर है भैया, जवाब दीजिए ना प्लीज। क्या क्वेश्चन पूछा आपने? क्या आपने लेटरिंग करना छोड़ दी है? भाई ये तो क्या है क्वेश्चन, ने क्या कह रहा था? यस एंड नो, यस नो, बस बस छोटा सा। भाई ना भी करूंगा ना तो भी मेरा ही ऊपर आएगा वो दोनों। तो यार भैया आप जवाब दो, आप जवाब से लेना पड़ेगा। आप उसे ये स्टॉप कर दिया और नो, ये यस है और ये नो, दोनों में चूज कर लो फटाफट, पकड़ो यस नो, यस ये नो, नो नो, पहले पकड़ो, पहले अभी कंटिन्यू है, नहीं छोड़ा है, अभी नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, रोज इसकी शक्ल दिखा दे एक बार। मॉर्निंग में पावर चलती है। 1 2 3 स्टार्ट। तो आपको शादी के टाइम में फेरे लेते टाइम में ऐसा हुआ है क्या, आप शादी कर रहे हो और आपको किसी और गर्ल्स के ऊपर वो आ गया, वो क्रश आ गया हो? यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यस या नो गाइस, प्यारी सी स्माइल देखो, छोड़ दो मेरा हाथ, छोड़ो, देखो गाइस मुंह दिखा दो। हां मैं बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूं, ये है मेरा निजी मामला है, तो मैं आप सिर्फ यस या नो, यस एंड नो, यस, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसके ऊपर दिल था इसके ऊपर नहीं था, ये हमारा निजी मामला, बस आया था ना, बस आया था। चलो ठीक है गाइस, कितना फर्जी आदमी है। चलो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, वापस आ गया। अब क्या पूछे? शो ये भाई, इस बार मैं पूछूंगा। आप पूछो, चलो पूछो मस्त वाला गाइस। मैं सोच रहा हूँ यार, मतलब कि माहौल काफी ज्यादा शांत है, थोड़ा मुजरा वगैरह करवाया जाए। किशोर तुझे डांस करना है यहाँ पर, ये मेरी तरफ आएगा। हाँ तेरी तरफ आएगा, ऊपर आजा, बसंती नाच, नाच बसंती, नाच बसंती, ऊपर चढ़, ऊपर ऊपर आजा, ऊपर आना पड़ेगा। हाँ ऊपर आना पड़ेगा, टूट तो नहीं जाएगी, नहीं टूटेगी यार, तू क्या टेंशन ले रहा है, ऊपर चढ़ दूँ। कौन सा प्ले द सॉन्ग? तो गाइस इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल सॉन्ग सोचना पड़ेगा। कौन सा सॉन्ग? एक नंबर चलाऊंगा, टेंशन मत ले तू, ठीक है? चला राणा जी मुझे माफ करना। अरे भाई 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 मुझे माफ करना अर्जुन। ये गाइस सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम, बिल्कुल ये ये गाइस। 1 2 3 स्टार्ट। रॉन्ग रॉन्ग कैमरामैन, कैमरामैन गाइस, कैमरामैन। तो गाइस इसके लिए एक बहुत ही मजेदार वाला सवाल है, चलिए इससे पूछते हैं। जो अपनी वीडियो शूट होती है ना उसके अंदर 24 आवर्स का चैलेंज होता है, कभी पानी के अंदर, कभी बर्फ के ऊपर, कभी कहाँ पर, कभी कहाँ पर, ठीक है ना? ठीक है। तो मतलब कि तो कितनी बार मुझे मन के अंदर गालियां बोलता है ये बता सर को? हाँ बोल, मुंह मत खुलवा मेरा भी। तो गाइस होता है यार, बेचारा कितना कंट्रोल करे ये भी। गाइस इनका चैलेंज और मेरी 12 बजा रहे हैं रात रात पर,
अच्छा मैं क्यों आता हूँ तुम्हारे चैलेंज में बताओ, मैं तो कैमरा मैन हूँ, सोऊंगा मैं तो जाके। हम तो कहाँ पर भी तेरे को ला सकते हैं। कैमरा मैन की भी ड्यूटी है। हाँ ड्यूटी है ये। अब तेरी तरफ बोतल आ गया तो हम क्या कर सकते हैं बता दो, इस बोतल की गलती हमारी गलती है। मैं चैलेंज में था ही नहीं इसीलिए गालियां देता हूँ मैं। तो चलिए गाइस मैं आपको टाइम बता देता हूँ अभी टाइम क्या हो रहा है। हे श्री व्हाट इज द टाइम? It's 9:18 PM. ओ भाई साहब 9:18 हो चुकी है और अब तो है ना सबको भूख लग गई होगी। देखते हैं भूख नहीं लग रही है तुम्हारे को? लग रही है यार बहुत भूख। मंगाओ खाना वगैरह। मंगा ले। देने दो भैया बात ही रुको अब तो बच्चे। अरे देखो कोई टेंशन नहीं है, आराम से बाहर निकलो सब कुछ खाओ। मेरी तरफ से झोलो चिप्स ही तो खानी है और बाजार के अंदर डांस ही तो करना है। केवल वाह यार तुम आराम से ओढ़ के हो। मैं गाइस देखो सर्दी के अंदर ऐसे तू सर्दी के अंदर तू खाना खा के आया ना अकेले सर्दी मार अब पूरे अकेले बेटा। नहीं मत इसको ओए देख लेना नहीं एकता जिंदाबाद एकता जिंदाबाद। गाइस देखो मेरे को सुलाई नहीं रहा है ये गाइस भुक्कड़ साला अकेला अकेला खा के आ गया घर से। हमको बता दे हम भी खा के आ जाते हैं यार, हम भी तेरे भाई है, कोई दुश्मन तो है नहीं। तू खाना हट बीच में घुस जाऊंगा नहीं हम नहीं घुसेंगे तेरे को बीच के अंदर। गलगोटे यार तू तो जगह कर यार तो तूने हमारे साथ धोखा करा। अबे यहां का पावर अगर प्राइवेट जगह पर हट साले बदतमीज कुत्ते का बीच। और गाइस देखो यार बुरा कर रहे हैं मेरे साथ में सोने भी नहीं दे रहे मेरे को। पत्थर ला रहे पत्थर ला गाइस इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। अरे अरे सुनो अल्लाह और यार इसको बाहर निकालो यार इसको इसको बाहर निकालो। फटा क्यों हुआ ओए भाई ओ भाई तो फटा क्या हुआ क्या कर रहे हैं गाइस ये तो सोने नहीं दे रहे हैं। अब मैं इनको नींद डिस्टर्ब करता हूं। अब मैं चलाऊंगा बूफर एक नंबर बूफर भाई। अरे तेरी बंद करो प्लीज गाइस लेना तो तुम मेरे को नींद नहीं आ रही अभी। अरे वो टीवी फूट जाएगी। आओ तुम्हारा क्या फोड़ रहा है? चुपचाप अब है ना यहाँ पे बैठा रहे और वहाँ पे ये चलना नहीं चाहिए। ठीक है जाकर सो जा भला यार। इसका फ्यूज निकाल कर ले जाऊंगा मैं। अब की बार ले जाऊंगा इसका फ्यूज निकाल कर चलाएगा। चल ठीक है सो जा सो जा। चल भाग यहाँ से मैं तो वहाँ पे चालू कर रहा हूँ। गाइस पागल हो गया वो। ठंड लग रही है। ओए यार Bluetooth mode. Guys, वो पागल हो गया है। नींद नहीं आ रही यार उसकी वजह से। अरे यार ये कोई सोने का टाइम है क्या यार? तुम्हें नींद आ गई? ये दो नींद में उठ कर गाइस देखो इनको देखो इनकी शक्ल दिखा लग रही है यार। भूख तो लग भूख तो मेरे को भी लग रही है तभी तो टाइम पास कर रहा हूँ यार। अरे अरे मार इसको मार। परेशान कर रहा साला गन। अरे यार देखो गाने भी कैसे चला रहा है एनसीएस सॉन्ग। या ओ ये चीटिंग है यार ये देखो ये चीटिंग है ये चीटिंग है। ओए वापस गाने चला रहे हैं। हां मैं गाने चला रहा हूं अपने दे मेरे को फोन दे दे मेरा। गाइस अब किसी को भूख नहीं लग रही है। ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੱਥਾ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕੇ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਸੋ ਸੋ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਮਾਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਉਹਦਾ ਬੁਲਟ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो गाइस मुझे पता था ये ऐसे तो हार नहीं मानने वाले तो मैंने ना इनको डांस करवा करवा के फुल थका दिया। मैं तो नहीं थका। तू नहीं थका अभी तक? भूख किसको लग रही है? तेरे को नहीं लग रही है? तो नहीं 1% भी। झूठ मत बोल। थोड़ी सी लग रही है। कसम से बात रख यार गाइस मतलब कि ना सबकी मैंने हरा डाउन करवा दी है।
इसको देख मोटे मोटे थक गया बिल्कुल गलगोटे क्या भूख लग रही है कसम से यार भूख लग रही है अरे यार बाहर निकल जा बाहर निकल जा कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई है तो कुछ नहीं बोल रहा मैं झोले चिप्स खिलाऊंगा यार लास्ट बाहर निकल जा आ जा बाहर आ जा क्या हुआ भूख लग रही तेरे को तेरा बहुत दिक्कत हुई ओए पूरा इंप्रेशन बता इंप्रेशन लास्ट चैलेंज है इसके बाद में मैं आऊंगा ही नहीं कभी भी कभी चैलेंज का इसका लास्ट चैलेंज है भाई मतलब कि सबकी हालत खराब हो रही है अब की बार भूखा मारा जो मारा नचा नचा का हालत खराब हो गई चक्कर आ रहे हैं हां यार वो डांस करा रहे तो मैंने बोला क्या डांस करने के लिए तुम्हें जोश में आ रहे थे कभी टी शर्ट खोल रहे थे कभी क्या खोल रहे थे गाने ऐसे चल रहे सब जोश में आ गए देख यार कैमरामैन की क्या अच्छी लाइफ है बाहर निकल रहा है बाहर निकल रहा है अंदर आ रहा है गजब यार मैं भी कैमरामैन बन गाइस मैं आपको टाइम बता देता हूं अभी टाइम क्या हो रहा है खाने को दो रे वो तो खाने को दो रे उसको हे श्री आहान व्हाट इज द टाइम इट्स 12:47 AM यहां पे आप देख सकते हो 12:47 अब आप पता लगा लो कि कितनी रात हो रही है और सर्दी देखो मुंह देखना भाई खतरनाक सर्दी और इसको तो भयंकर भूख लग रही है अब तो है ना कसम से बोल रहा हूँ मैं ना खाना खा के आया था इस चैलेंज के अंदर लेकिन अब मेरे को भी भूख लगने लग गई सच में तो इनकी तो आप सोच सकते हो क्या हालत हो रही होगी तो गाइस इसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर देख सकते हो इनकी कितनी हालत खराब है और मेरी तो हालत तो खराब नहीं हो रही है पानी मैंने ज्यादा पी लिया है तो टॉयलेट लग रही है मेरे को मैं जुगाड़ देख रहा हूँ कब से कि कहाँ टॉयलेट करूँ यहाँ पे है तो सही ये जुगाड़ तो है ओए इसके अंदर डाल ले एक बार कैमरा सीधा बाहर ट्रांसफर ओ गाइस यहाँ से सीधा बाहर ट्रांसफर हो जाएगा ये मस्त जगह है यार तुम सो जाओ पहले बाहर भगा के यहाँ तुम सो जाओ फिर मैं यहाँ से सीधा समझ लो गाइस आप गाइस सुबह की 9:40 हो गई है मैं तो रात को गाड़ी में आके सो गया था वो तो उठ गया गुड मॉर्निंग गाइस तो देखो गाइस ये छोटा सा बेड है इसके अंदर देख लो आप ये सारे सारे किस तरीके से सो रहे हैं उठा इनको उठा ओए ओए उल्लू सोने देना रात भर तो सोने नहीं दिया और गाइस यहाँ पे भी देखिए आप ये रहा गलगोटा नींद नहीं ओए ओए तुम्हारे भूख नहीं लग रही है क्या मुझे सोया भूख के कारण तीन बजे सोया गाइस ये 3 बजे सोया था बाहर देखो कबाड़ा कर दिया तुमने क्या हुआ देखो गाइस कैसा कर दिया इसे ओए तूने यहाँ से क्या करा मैंने क्या पे टॉयलेट बाहर देख गीला गीला हो रखा है मैंने रात को टॉयलेट की थी गाइस यहाँ से चीटिंग है यार देख लो आप क्या यहाँ से टॉयलेट कैसे की तूने तो टॉयलेट तो कर सकते हैं ना मैं भी कर लूंगी कर ले तू भी बाद में करूंगा कैमरे को बाहर आओ पहले तो नहीं तेरा ओए इसका कैमरे में शूट लेना है कैमरा बंद ही नहीं होना चाहिए अब आहान व्हाट इज द टाइम इट्स 9:46 AM 9:46 ओए भूख किसको लग रही है अब भूख तो सबको लग रही है भैया तो निकलो ना यार बाहर चैलेंज खत्म करो फटाफट से चैलेंज खत्म करो यार बाहर निकल जाना तो भूख लग रही है तो कौन मना कर रहा है तेरे को बाहर निकलने के लिए अब तो मेरे को भी भूख लग रही है यार मैं जा रहा हूँ मैं बाहर जा रहा हूँ धूप आ गई क्या हुआ जाना बाहर इसको जबरदस्ती बाहर निकाल लेता धूप खाकर आया मैं तो धूप खाकर आया मैं तो अरे मेरे को नहीं जाना रे मेरे को जाना ही नहीं है ना मेरे को नहीं लग रही भूख इसको निकाल दे बाहर ओए जल्दी आना मोटे मेरा फायदा हो रहा है इसको बाहर निकाल दे ए जल्दी मैं तो लकड़ी पकड़ लूंगा ओए झोपड़ी तोड़ दे तो चक्कर आ रहा है ओए इसको लेके आजा लेके आजा बाहर मेरे को नहीं खोलना है जोलो चिप्स मेरे को भूख भी नहीं लग रही अब तो अरे यार ये गलत बात है ये चीटिंग है मेरे को मत निकाल छोड़ छोड़ ये गलत
नहीं ये तो चीटिंग मारी जाएगी ना मान। देखो गाइस देखो आपके सामने चीटिंग कर रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं निकल रहा हूं। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। मेरे ऊपर क्यों पड़े वो, तो उसको निकालो पकड़ के। क्या तेरे को निकाले, रुक जा, इसको निकाल रहा हूं। फंसाया पड़े तो इसने फंसाया, इसको निकालो पहले। मार आकाश मोटा आ जा, गलगोटे बदले की रात, गलगोटे आना यार। छुड़ा इसको, छुड़ा निकल गद्दार मेरे देश से। निकल गद्दारों की कोई जरूरत नहीं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये ही नहीं उठ रहा अपन से तो। बहुत भारी है ये साला, रोटी कल के आ गया, रोटी कल के आ गया, दो चार दिन की एक साथ खा दी। छोड़ा चिप्स ये चीटिंग है। मैं तो नहीं निकलने वाला, तुम निकलो बाहर। धीरे धीरे सबकी एनर्जी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट करेंगे। अपना दुश्मन ये जानी दुश्मन क्या कर रहा है बूढ़े, तो खुद इतना बड़ा गुब्बारा है क्या फोड़ रहा है? वही वो देने एक बार। ओए मैं, ओए ये तो मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा, मैं ही फोड़ूंगा इसको। अरे अरे ये वाला एक और है। अरे यार, अरे फूट गए। अब एक और बचा है वाला, एक और है। ओ भाई साहब, पैर के लगी हाल देख वाली, इतने फोड़ दिए सारे तो सारे। क्या हुआ गलगोटे, किसका गुस्सा किस पे निकाल रहा तू? ए गलगोटे, अरे 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 गोली मार दो सारे, इसको मार, इसको इसके दे रहे हेड बम की बार। तू क्या है, क्या है गलगोटे? मेरे को भूख लग रही, मेरे को छेड़ मत तू। अरे यार तो गाइस वो दोनों तो बाहर जा चुके हैं, और अब जो चैलेंज है वो है हम दोनों के बीच में। पता ही नहीं था नंद किशोर को, बिल्कुल गेट के पास में था, मैंने उसको धक्का दे दिया, थोड़ा सा धक्का दिया पूरा बाहर। तो गाइस बिल्कुल उल्टा हो रहा है, मतलब कि मुझे भूख तो है ना इतनी ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन अभी है ना 12 बज गई और मेरा ना समझ सकते हो आप पेट दर्द कर रहा है भयंकर वाला। अब भगवान हमेशा ऊपर वाला सब देखता है, तुमने हमारे साथ धोखा किया। मैंने कहां पर धोखा किया यार तुम्हारे साथ? खाना खाके क्यों आया? तो खाना खाके मैंने बोल दिया, अगर मैं तुम्हारे को नहीं बताता मैं खाना खाके, तो फिर भी द्वारा कैसे पता चलता? बता, पता चल जाता वो तो। देख हमारी हालत देख, तेरी हालत देख, निकल जा बाहर भाई। मेरा तो पेट दर्द कर रहा है यार भयंकर वाला, अब सोच रहा हूँ बाहर निकल जाऊँ। जय माता दी। भिखारी तैयार हो गया, अपना इंटरनेशनल भिखारी, चेहरा दिखाइए उसका। गाइस मेरा तो चेहरा देखो देखने लायक है, उसका आप चेहरा देखो, उसकी पूरी हालत डाउन है अभी। कोई बात नहीं, मैं तो हालत तो डाउन, जीत गया भैया। गाइस घनघोटे को खिलाने वाले हैं जोलो चिप्स। ओ ये कैसे लग रहा मोटे? और मैंने कभी नहीं खाई सच्ची में, सच्ची में नहीं खाई तुमने? घनघोटा बोल रहा है कि इसको खाने के बाद में ना मैं कुछ भी नहीं खाने वाला हूँ, पानी भी नहीं पीने वाला हूँ, तुम मुझे यहाँ पर ही पकड़ के बैठ जाना। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से सीधा भागूंगा मैं बाथरूम के अंदर। ओ भाई साहब देखो भाई, ओ अरे तो गाइस अभी आप इसका चेहरा देख रहे हो, पूरा काला हो रखा है, कालिया, और थोड़ी देर में हो जाएगा ये लालिया, पूरा मुंह लाल, कुछ नहीं हो रहा है यार इसके तो। गाइस इसकी कैसी आदत हो गई यार, ये क्या हो रहा है मोटे देर को? गलगोटे क्या हो रहा है?
ओ मेरे भाई को क्या हो गया यार, पानी लिया यार मौत। क्या सही है वो खाड़ा चढ़ दिया गाइस, इसकी हालत ज्यादा ही खराब। ओए ओए जा पानी लेके आ आकाश। अरे दही और पानी वाली कुछ लेके आ, मीठा लेके आ इसके लिए, कुछ खाने के लिए। अरे इसकी हालत देखो गाइस, आंसू आ रहे आंखों में से, पूरा मुंह देखो, मैंने बोला था लाल हो जाएगा पूरा मुंह, और देख सकते हो पूरा लाल हो चुका है इसका मुंह। गलगोटा जोलो चिप्स खा चुका है और अब बारी है नंद किशोर की, ये बीच बाजार के अंदर डांस करने वाला है। सॉन्ग चल चुका है, नंद किशोर तैयार है तू? गाइस इसकी इज्जत पूरी कचरे में मिल रही है, देख लो। डांस की जान कर रही हो? अरे बढ़िया नाच रहे हो, बढ़िया कर रही हो डांस। तो गाइस अब मुझे जाना है बाहर, देखता हूँ कोई मुझे भीख देता है या नहीं। बाकी किशोर ने डांस एक नंबर किया था, वेस्ट बेकारी 5-6 हज़ार तो कमा के आना, 20 हज़ार कमा के आएंगे। काफी ज्यादा नर्वस हूँ यार, हालत खराब हो रही है मेरी। यहाँ पे है ना दो थैले हैं, तो इनके पास में जाने वाला हूँ। भैया ये आपका थैला? यार मतलब कुछ है ना मदद चाहिए थी यार। किस बात की? मुझे पैसे चाहिए। पैसे तो इतना बड़े दर का रहो, कमाल खाओ और क्या दे दो यार, कमाल खाओ आराम से। भीख मांग रहा हूँ दे दो। नहीं मिलेगा आपको। क्यों? इतना बड़े शरीर दर का, कमा के खाओ मौज करो आराम से। अब कमा के क्या खाए, दे दो भाई, समझ के दे दो छोटा पैसा। नहीं पैसा देते नहीं, आगे ले लो, आगे जाओ भाई, आगे से ले लो। आप भी इतना अच्छा खासा शरीर दिया, कमा के गाइस तगड़ी वाली बेइज्जती हो रही है यहाँ पर, तो भयंकर वाली बेइज्जती। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ जो ये दूसरा वाला थैला है इनके पास में, पैसे दे दो यार खाने के लिए। अरे कमा के खाना, क्या हाथ पर 3-4 दिन से भूखा हूँ मैं, हाथ पर टूट गया। दे दो यार भैया, क्या आप भी, मैं देखो है ना मेरे ना इन लोगों ने सामने बनाई है, मैंने एक चैलेंज हार गया उसके चक्कर में, देख लो अब भीख मांगनी पड़ रही है। गाइस देख सकते हो जो मेरा चैलेंज है ना वो हो चुका है पूरा, मैंने 1 रुपया मांग लिया है भैया से, तो हम कोई भिखारी नहीं है, वीडियो बना रहे थे, ये लो आपका पैसे। और बाकी आप बहुत अच्छा आदमी हो यार, मैंने आपने मेरे को पैसे दे दिए और क्या चाहिए, थैंक यू भैया। तो गाइस जो हमारा चैलेंज है वो हो चुका है पूरा, और जो हमारे को सजा है वो भी मिल चुकी है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आपको लाइक कर देना, चैनल को आपको कर देना सब्सक्राइब। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।